क्या आप लोग भी बैठ सकते हैं? हाँ, यहाँ पे अंदर बैठ रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, करेंगे, करेंगे आप लोग? हाँ, हाँ, पैसा दे, हम लोग खर्च दिए हैं, भाग लिए हैं इसमें। जी हाँ, जी हाँ, उसी के लिए आए हैं। अच्छा, खर्चा लगा कुछ? हाँ हाँ, कुछ लगा है। कितना? गए 7,000-7,000 रुपया लगा है। 7,000-7,000 रुपए यहाँ पे यज्ञ करने के लिए? हाँ हाँ, यज्ञ करने। 7,000 कुछ नहीं है भगवान के नाम पे, कुछ नहीं है। 7,000 क्या चीज है भगवान के नाम पे? दिए हैं भगवान, जितने दे उतने ही भगवान में लगाए। सब तो भगवान के है ना, सब तो भगवान के दिया हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री होगा ना, हुआ है कभी? हाँ, भगवान है, हनुमान के अवतार लिए हैं कली में। हाँ, मोदी जी। हाँ, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, ये सरयू नदी के तट पर बनाई गई हैं। और हमारे पीछे आप देखेंगे जो बना हुआ है हवन कुंड बना हुआ है, पीछे आप हमारे पीछे देखेंगे जो ये हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पे हवन होगा, यहाँ पे यज्ञ होगा। आइए हम इन छोटी छोटी झोपड़ियों को आपको दिखाते हैं कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मच्छरदानी लगाई हुई है प्लास्टिक की, और नीचे रेत है, और ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो कि सरपत से बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे कितनी संख्या में हैं ये झोपड़ियाँ, हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, अगर कोई हमसे यहाँ पे मिला। आप यहाँ पे रहते हैं जी? कितनी झोपड़ी है यहाँ पे जो बनाई गई छोटी? ये शिव कुंज कहा जाता है इसको, 1,800 शिव कुंज है। 1,800 कुंज जी। इसमें क्या होगा? इसमें प्रतिदिन लगातार सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रुद्राभिषेक एवं 24 घंटा लगातार श्री सीताराम नाम जप होगा। हाँ। जी। इसमें कुछ स्थापित भी किया जाएगा? हाँ, 1,008 शिवलिंग स्थापित किया जाएगा जी। ये कितने समय में बन के तैयार हुआ? ये 2 महीना लगातार लगा हुआ। 2 महीना लगातार लगा जी। क्या कहेंगे प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी में आके आपको? बहुत लगा? श्री राम प्रभु अपने नगरी में वापस आ रहे हैं, इसके लिए तो बहुत खुशी हुई है। हम ही को नहीं खुशी हुई है, पूरे विश्व में सबको खुशी हुई है। और हमारे जो महाराज जी हैं श्री परम पूज्य नेपाली बाबा, उनकी तरह तत्वधान से ये एक महायज्ञ हो रहा है। और 2015 में उन्होंने एक ऐसा ही बहुत बड़ा महायज्ञ जिसमें 2 पंडाल ऐसे बड़े बड़े लगे हुए थे, महाजग यज्ञशाला 2 पंडाल बनाया गया था। उसमें धर्मदास बाबा भी थे, हमारे परम पूज्य नेपाली बाबा भी थे, और उसी वक्त दोनों ने मिलकर एक संकल्प लिया था। जिस दिन 10 साल के, आज के 10 साल बाद 2015 में उन्होंने यज्ञ करवाया था, कि आज के 10-15 साल बाद जब भी ये राम प्रतिष्ठा का पूर्व अवसर आएगा, उसी दिन एक ऐसा ही महाजज्ञ होगा। तो आज वो अवसर पूरा हुआ, इसी के अवसर पर बाबा ने यज्ञ अपने स्थल पर ही करवाया। वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था जी। वो शुभ घड़ी आ गई है, अब हम लोग यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द 22 जनवरी भी आ जाए, ऐसे ही हम लोग अपने खुशी से और हमारे प्रभु श्री राम, ऐसे ही सब लोग अपने अयोध्या में रहें। आप हैं कहाँ से? हम हैं गोंडा से, और अपना पढ़ाई और शिक्षा यहीं से लेते हैं, अयोध्या से ही। अभी ये बरसों से मामला फंसा हुआ था राम मंदिर का, अभी सब सुलह हो गया और राम मंदिर बन रहा, खूबसूरत राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कुछ लोग इस पर नाराज भी हैं जी। तो अब नाराज हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम ये सवाल इसलिए किए हैं कि आप भी एक युवा हैं जी, मंदिर सिर्फ मंदिर की ही बात नहीं होनी चाहिए, मंदिर के साथ साथ हमें और जो सुविधाएं चाहिए, जो चाहिए हमें वो भी चाहिए। शिक्षा पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, हॉस्पिटल पर बात होनी चाहिए, ये सब पे बात होनी चाहिए ना, सिर्फ मंदिर से ही तो हमारा पेट नहीं भर सकता। अब देखिए कुछ उसमें कहा भी नहीं जा सकता, और कहने की बात हो तो देखिए, अब पहले भगवान, उसके बाद पहले भगवान दवा सब देखा जाता है। अब हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हॉस्पिटल एक एक देश को, एक एक जिला को जो भी अपना देख रेख में वो रखते हैं, वो सब धीरे धीरे बना रहे हैं, उनसे तो हम लोग बहुत खुशी हैं। यानी आप योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से और पीएम मोदी जी से काफी खुश हैं? बहुत खुशी हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या बन गई है, अब अयोध्या धीरे धीरे ऐसे ही सज रही है। चलिए सीताराम इधर आइए आप। हाँ चाचा, कहाँ से हैं आप? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं जी? जी, सासाराम से आए हैं। सासाराम से? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, जग में आए हैं हम लोग भाग लेने के लिए। इस छोटी छोटी झोपड़ी में आप भी करेंगे? हाँ करेंगे। हाँ, यही इंतजार था अयोध्या में करने का, शौक था। अब मोदी से बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। नेपाल से हैं? हाँ नहीं, बिहार से। बिहार? सासाराम से आए हैं जी। जी जी। कितना दिन हुआ आपको आए यहाँ पे? अभी तो रात आए हैं हम लोग। अच्छा। कुंड लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? ना ना ना,
कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? हम लोग बनारस के हैं। बनारस से हैं? हाँ, बनारस बिहार। सब काफी समय से इंतजार था। हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर कब बनेगा था? बहुत खुशी है। बहुत लोग तारीखें पूछते थे, अब वो तारीख भी आ गई और मंदिर भी आ गई। बहुत खुशी है, राम जी आ रहे हैं अब। बहुत खुशी है, हम लोग भाग ले रहे हैं बस। लेकिन काफी लोग नाराज भी हैं इससे। नहीं नहीं, हम लोग का नाराज है, नाराज जिसको होना है होने दीजिए। कुछ लोग तो आई नहीं, निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। आए चाहे न आए, हम लोग का फर्ज है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुए नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो मत आए, जिसको नहीं आना है मत आए, बाकी हम लोग तो खुश है। आना चाहिए उनको कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। तो भाई प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी है, वो तो सभी के लिए है। भगवान तो सब, भगवान के लिए तो सभी है, भगवान के तो बच्चा सब लोग है, तो सबको आना है। अभी ये देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो, राजनीति अलग है, ये तो सबके यहाँ पे अपने जगह पे है, और ये पूजा पाठ अपने जगह पर है, धर्म है चीज अपने जगह पर है। लेकिन गलती कर रहे हैं कहीं? गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करना चाहिए। भगवान तो सभी के है, भगवान के बच्चा तो सब लोग है। ये भी कह रहे हैं जो विपक्षी पार्टी है, ये भी बोल रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, 2024 का चुनाव आ रहा है, इसलिए मंदिर बनवाया जा रहा है। नहीं नहीं, कह रहा है हम लोग तो मोदी के पार्टी है, हम लोग तो मोदी के, मोदी से खूब खुश है, चिल्ला रहा है मोदी। हाँ, वृद्धा पेंशन दे दिया, क्या क्या नहीं दिया, क्या कर रहा है, जो पहले से बिगड़ा हुआ बना रहा है मोदी। मोदी भगवान है, देखिए मोदी भगवान है, भगवान है। प्रभु श्री राम के अवतार लिए हैं, हनुमान के अवतार लिए हैं। हाँ बाबू, हाँ हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे एरिया में मोदी का हम लोग खूब बड़प्पन करते हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग थे हमसे, हमने उनसे बात किया, बता रहे हैं कि मोदी हमारे लिए भगवान है, जो किसी ने नहीं कर पाया मोदी जी ने। ये है भगवान, है ये है ये भगवान, आए हैं तभी तो राम जी आए हैं। हाँ सही कह रही है, तभी तो भगवान को लेके आए हैं। भगवान राम जी क्यों नहीं आए? सब लोग तो नेता पर रहता, सब लोग आए, राम जी घूम जाइए, राम जी के तो कोई नहीं ले आया। कहाँ गए थे भगवान? भगवान यही थे, बाकी भगवान को बनाने वाला, भगवान को ले आने वाला तो कोई नहीं था, मोदी है ना। मोदी थे, हम ब्राह्मण है, हम लोग बहुत खुश है, सब लोग हैं, सब कुंडली है नेपाली बाबा के तरफ से। यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा आप लोग भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे अंदर बैठ के जाप कर सकते हैं, करेंगे आप लोग? हाँ, पैसा दे, हम लोग खर्च दिए हैं, भाग लिए हैं इसमें, जी जी उसी के लिए आए हैं। अच्छा, खर्चा लगा कुछ? हाँ हाँ, कुछ लगा है। कितना? गए 7,000-7,500 लगा है। 7,000 रुपए यहाँ पे यज्ञ करने के लिए? हाँ हाँ, यज्ञ करने। 7,000 कुछ नहीं है भगवान के नाम पे, कुछ नहीं है। 7,000 क्या चीज है भगवान के नाम पे? भगवान जितने दे उतने ही भगवान में लगाए, सब तो भगवान के है ना, सब तो भगवान के दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने, चलिए ठीक है, हम लोग का खुशी है। हाँ चाची, कहाँ से आई हैं आप? हम बनारस से आए हैं। बनारस से आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, आप सभी लोगों का ग्रुप है? ग्रुप है हम लोग। चाची कैसा लग रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम लोग बनारस ले आए हैं कुंड लेने के लिए। नेपाली बाबा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, हम लोग खुश है। ऐसा प्रधानमंत्री होगा ना, हुआ है कभी? हाँ, भगवान है, हनुमान के अवतार लिए हैं कली में। हाँ, मोदी जी हाँ मोदी जी। चाचा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था कि ये फ्री करना चाहिए था, जो भी इच्छुक हो बैठ सके? आए, फ्री क्या, फ्री कैसे होगा जग में? हम लोग इच्छुक है देने का, 10 रुपया खर्चा करेंगे। हाँ, पैठ क्या होगा, पैठ क्या होगा, मोदी दिया है, भगवान बन के मोदी दिया है, हम लोग को बहुत सुविधा देते हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट पे जरूर लिखिएगा आप लोगों का अयोध्या नगरी कैसी लगी। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।